नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको करनाल की 5 टूरिस्ट प्लेसेस घुमाएंगे। तो अपनी वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं कि अगर आप दिल्ली वगैरह साइड से आते हो तो करनाल में एंटर करते हैं, आपको सबसे पहले दिखेंगे पक्का पुल, धाम, ऊंचा सामान। तो यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है, आप अगर यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर माथा जरूर टेक करते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और इसके बाद हम आपको करनाल की 4 और फेमस जगह दिखाएंगे। तो हम जो वीडियो का एंड करेंगे वो करण लेक पर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। पीर बाबा हजरत अली इलाही बख्शी पक्के पुल वाले बाबा की जय। बताया जाता है गांव ऊंचा समाना में बड़ा जंगल था। अंग्रेजों के शासन काल में शेर शाह सूरी मार्ग बनाया जा रहा था। रास्ते में नदी होने के कारण जब पुल बनाया जा रहा था तो वह बार बार ध्वस्त हो जाता था। राजमार्ग बनाने वाले ठेकेदार को स्वप्न आया कि सड़क निर्माण के रास्ते में हजरत अली इलाही बख्शी जी की मजार है, इसलिए सड़क को मोड़ दिया गया। और तभी से इस जगह का नाम ऐतिहासिक एवं प्राचीन पक्के पुल वाले बाबा जी गाँव ऊँचा समाना रख दिया गया। दोस्तों अब हम आपको लेकर पहुंचे हैं नूरमहल में। हम पहले आए हैं पक्के पुलों से, वहां से आपने निर्मल कुटिया से लेफ्ट जाना है, उधर से आपको चौक दिखेगा, आपने उधर लेफ्ट जाना है। और ये देखिए अब मेरे पीछे है नूरमहल, और ये 2009 में बनाया गया था। यहां पर शादियों के प्रोग्राम होते हैं, अगर आप यहां पर आकर रहना चाहते हैं तो आप यहां पर स्टे भी कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार बनाया गया है, इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी होती है। तो अब इसके आपको एक दो सिनेमैटिक शॉट दिखाएंगे, फिर आपको लेकर चलेंगे इसके बाद अटल पार्क में। करनाल के कई 5-स्टार होटल में से सबसे उम्दा माने जाने वाले होटल की खूबसूरती देखते मन नहीं भरता, दिल करता है कि इसकी तस्वीर को आंखों के आगे खींच लिया जाए। जी हां दोस्तों, आपके सामने है करनाल में टूरिस्टों की दूसरी सबसे पसंदीदा जगह। यह होटल करनाल में 2009 में एक्स आर्मी ऑफिसर द्वारा बनवाया गया था। बात की जाए इस होटल की तो इसकी गिनती नॉर्थ इंडिया के टॉप हेरिटेज होटल में आती है। और इसकी खूबसूरती देखते मन नहीं भरता, कई पंजाबी गानों की शूटिंग यहां पर हुई है और यह होटल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वीडियो बनाने पहुंचे थे नूरमहल के आगे, तो हमें दोस्त मिले हैं कुछ, ये यहां पर बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। और इनसे अभी हमने अपना चैनल भी सब्सक्राइब कराया, ये भी बैठे हैं, और ये एक ये भाई बैठा, और ये रहा सामने नूरमहल। फ्रेंड्स हमने अभी आपको नूरमहल दिखाया, तो ये है करनाल की 2nd टूरिस्ट प्लेस। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं अटल पार्क की तरफ। तो ये रहा मेरे पीछे नूरमहल। दोस्तों अब आए हैं करनाल की 3री टूरिस्ट प्लेस पे, वो भी है अटल पार्क। तो आइए अब आपको इसके अंदर के सीन दिखाते हैं। बहुत पुरानी पार्क है, बहुत बड़ी पार्क है, करनाल की सबसे बड़ी पार्क है, इसलिए आपको मेन यही दिखा रहे हैं। वैसे तो एक दो पार्क और भी हैं करनाल में, लेकिन आपको ये दिखाएंगे अभी। चलो आज एंटर कर चुके हैं अटल पार्क में। एंटर होते ही आपको ये दिखेगा एक पुल छोटा सा, अभी इसके नीचे पानी नहीं है, ये खुला है। और 25 दिसंबर 1999 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर तत्कालीन सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने पार्क का उद्घाटन किया था। उस समय वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। और ये जो आप सामने मूर्ति देख रहे हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति है, और ये मूर्ति काफ़ी बड़ी है। पार्क में एंटर करते ही आपको ये मूर्ति फ्रंट में दिखेगी। और ये जो पार्क है ये NH1 रोड पर है। तो ये दोस्तों लेक है अटल पार्क में, बहुत ही बड़ी लेक है। और यहाँ से बीच से चलकर हम जा रहे हैं एक बहुत ही आपको अद्भुत चीज़ दिखाने के लिए। ये जो हमने लेक अभी पार की है, तो उसके सामने ही आपको ये नज़ारा दिखेगा। तो बहुत ही प्यारी जगह है बैठने के लिए, रॉक से सारी ये बनाई गई है। और आप आओगे अगर यहाँ पर तो अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, गर्मी आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। और चलिए अब आपको ऊपर जाके दिखाएंगे इसके। अटल पार्क इतनी बड़ी है कि एक दिन में आप ये पूरी पार्क घूम नहीं सकते, आप चल चल कर थक जाओगे, लेकिन ये पार्क ख़त्म नहीं होगी। तो हमने आपको इस पार्क की मुख्य चीज़ें दिखा दी हैं,
अगर आप यहाँ घूमने आओ तो आप यहाँ पर घूम सकते हो। ये पूरी पार्क 55 एकड़ में फैली हुई है और जो इसकी सिर्फ लेक लेक है वो सिर्फ लेक लेक ही 4 एकड़ में फैली हुई है। और साल में एक बार मार्च में यहाँ स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, तब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है और बहुत ही अच्छी लाइटिंग होती है। लेकिन अगर आप शाम को आओगे तो भी आपको लाइटिंग के दृश्य देखने को मिलेंगे। ये करनाल की सबसे बड़ी पार्क है और इस पार्क के बारे में इतना ही। तो दोस्तों अभी आपको अटल पार्क दिखाई है, तो अब हम आपको लेकर जा रहे हैं करनाल की चौथी जगह पर और अब हम आपको लेकर जाएंगे साईं बाबा जी के मंदिर में। अब हम आपको लेकर आए हैं करनाल में साईं बाबा जी के मंदिर में, तो अब आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, फिर हम आपको लेकर जाएंगे अपनी करनाल की फिफ्थ एंड लास्ट जगह पर और फिर हम आपको वो दिखाएंगे और वीडियो को करेंगे। साईं बाबा जी की जय हो। तो अब हम आपको लेकर पहुंचे हैं शिरडी वाले साईं बाबा जी के मंदिर में। यह मंदिर करनाल में साईं बाबा जी का सबसे बड़ा मंदिर है, इसलिए हम आपको इस मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। अगर आप यहां आना चाहो तो आप आ सकते हो। गूगल पर आपको बहुत ही आसानी से इस मंदिर की लोकेशन मिल जाएगी, तो आप उसे यूज़ कर कर इस मंदिर तक पहुँच सकते हो। यह साईं बाबा जी का बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कितना प्यारा व्यू है और हम पहुंच चुके हैं अपनी इस वीडियो की लास्ट लोकेशन पे, जो कि है करनाल में करना लेक दो नामों से इसे जाना जाता है। हमने स्टार्ट किया था अगर आप दिल्ली से आते हैं तो रास्ते में आपको स्टार्टिंग में क्या दिखेगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऐसे नंबर वाइज हमने आपको टॉप 5 प्लेसेस करनाल की घुमा दी हैं। और ये व्यू तो बहुत ही प्यारा है, मेरा मन कर रहा है मैं इसी देखता रहूँ। आप अगर आओ तो ये जीटी रोड के साथ साथ ही पड़ती हैं सारी प्लेसेस। अगर आप पंजाब जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो या स्टे करना चाहते हो करनाल में तो नूर महल में कर सकते हो। सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं और काफ़ी और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस हैं करनाल में घूमने फिरने के लिए, लेकिन जो मेन थी वो हमने आपको दिखा दी हैं। और ये अब हम आपको इसकी सीन दिखाएंगे। करनाल की सबसे पसंदीदा जगह जिसे करन लेक या करना लेक के नाम से भी जाना जाता है, पर्यटकों में बहुत प्रसिद्ध है। बात की जाए करन लेक के इतिहास की तो इसे सीधा सीधा महाभारत से जोड़ा गया है। माना जाता है करनाल शूरवीर कर्ण की धरती है और शूरवीर कर्ण इस लेक में अक्सर स्नान एवं दान करने आया करते थे। अब बात की जाए तो आप यहाँ पर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बोट राफ्टिंग मेन है। यहाँ पर एंट्री फीस का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आप जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ करेंगे उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। के टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस, तो हमें बताइए आपको कैसे लगे। और अगर आप हमें बोलेंगे कि हम प्रत्येक जो एक एक जो हमने आपको चीज़ दिखाई उस पर स्पेशल एक एक वीडियो बनाएं, तो हम वो भी आपको बनाकर दिखा देंगे। तो काफ़ी खूबसूरत वीडियो बनी है, हमें भी काफ़ी मज़ा आया। और जैसा आप अब हमें बताएंगे, हमारी गलतियां बताएंगे तो उस हिसाब से हम इम्प्रूव करेंगे। और बाकी व्यू बहुत बढ़िया है, तो कैसी लगी ये वीडियो हमें बताना। ये वीडियो यहीं एंड हो रही है, तेजस पेंडू यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो आ चुकी है। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।